मैं राशि कपूर, INN टुडे में आप सबका स्वागत है। बढ़ेंगे आज की सुपर फास्ट टॉप 9 खबरों के साथ। कोरोना से जारी लड़ाई के खिलाफ एक राहत भरी खबर आई है। ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने शनिवार को ड्रग DG दवा से कोरोना के इलाज को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। कोरोना संक्रमित मरीज के लिए ये एक वैकल्पिक इलाज होगा। जिन मरीजों पर इस दवा का इस्तेमाल किया जाएगा उनकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फ़ोन पर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने कोविड की वर्तमान स्थिति, ऑक्सीजन की उपलब्धता समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान PM ने उद्धव की कोरोना काल में किए जाने काम की तारीफ की। कोरोना को महामारी घोषित करने के लगभग एक साल बाद WHO ने आखिर मान लिया है कि कोरोना का वायरस हवा से भी फैल सकता है। WHO के अनुसार वायरस खराब वेंटिलेशन या भीड़ वाली बंद जगहों में भी फैल सकता है, जहां लोग लंबे समय तक रहते हैं, क्योंकि एरोसोल हवा में 1 मीटर से भी ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरीजों को भर्ती करने की पॉलिसी में बदलाव किया है। अब कोविड सेंटर में भर्ती होने के लिए मरीजों को पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाना ज़रूरी नहीं होगा। यानी अब संदिग्ध मरीज भी कोविड सेंटर में भर्ती हो सकेंगे, उन्हें संदिग्ध मरीजों के वार्ड में रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। हाल ही में हुए पंचायत चुनावों के बाद गांवों में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। इसे देखते हुए राज्य सरकार 10 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रखने की प्लानिंग कर रही है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अभी हफ्ते भर के लॉकडाउन के चलते उत्तर प्रदेश के एक्टिव केसों में 50,000 से ज़्यादा की कमी आई है। ऐसे में सरकार तुरंत लॉकडाउन में ढील देकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के बाद दोनों देशों की तरफ से जॉइंट स्टेटमेंट आया। स्टेटमेंट में कहा गया कि रोज़ाना सामने आ रही नई चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया का एकजुट होना ज़रूरी है। यूरोपियन यूनियन इस बात को समझता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीन पर GST को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। केंद्र कोरोना टीकों पर राज्यों से 5% GST ले रहा है। राहुल ने इसका विरोध किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, जनता के प्राण जाए पर PM की टैक्स वसूली ना जाए। सोशल मैसेंजर प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने भारत में 15 मई से लागू होने वाली नई प्राइवेसी पॉलिसी को फिलहाल टाल दिया है। कंपनी ने प्राइवेसी पॉलिसी को लागू होने की नई तरीकों का ऐलान नहीं किया है। कंपनी ने शुक्रवार को कहा कि नई पॉलिसी को स्वीकार ना करने वाला कोई भी अकाउंट डिलीट नहीं किया जाएगा। महिला मिलिट्री पुलिस का पहला बैच अब भारतीय सेना में शामिल हो गया है। शनिवार को बेंगलुरु के द्रोणाचार्य परेड ग्राउंड में तस्दीक परेड का आयोजन किया गया और भारतीय सेना को महिला मिलिट्री पुलिस का पहला बैच मिल गया। कोरोना काल की वजह से इस परेड को छोटे स्तर पर आयोजित किया गया था और तमाम तरह के प्रोटोकॉल का भी पालन हुआ। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।